अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आई हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग आपको टाइटल से पता चल चुका होगा कि मेरे बेटे की बर्थडे है और उसके बारे में ये व्लॉग है। हम लोगों ने छोटी सी सेलिब्रेशन की थी अपनी फैमिली में ही, मेरी अम्मी की तरफ से मेरी सिस्टर और मेरी जो नंद है वो आई थी। तो हम लोगों ने छोटी सी सेलिब्रेशन रखी थी, तो ये आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे बेटे की बर्थडे का जो थीम था वो था बैटल रॉयल। ये छोटी सी डेकोरेशन हम लोगों ने की थी पीछे, और ये मेरी भाभी लेकर आई थी मेरे बेटे के लिए। उसको सरप्राइज़ दिया था, उसको नहीं पता था कि हम लोगों ने कोई थीम रखा है या नहीं रखा। तो यहाँ पर मेरी दोनों बेटियाँ और मेरी नीस जो है वो रेडी हैं, वेट कर रही हैं कि हम लोग कब खाना रखें, केक रखें और केक को सर्व करें। उनको खाने से ज़्यादा केक का शौक था कि केक आएगा तो हम लोग खाएँगे। Thank you. Ramba, you are the coolest. Ramba, you're the best. Ramba, I love you. तो ये था छोटा सा मैसेज मेरी दोनों बेटियों की तरफ से अपने भाई के लिए और मेरी नीस की तरफ से। यहाँ पर खाना सर्व हो चुका था और हम लोग रेडी थे केक काटने के लिए, लेकिन पहले सबने खाना लिया था और उसके बाद हम लोगों ने केक काटा था। खाना सारा मैंने घर पर ही बनाया था। हम लोगों ने बाहर से सिर्फ केक ऑर्डर किया था और नान मंगवाए थे। खाने में मैंने बनाया था चिकन टिक्का, सैलेड, नान, यहाँ पर रेशमी कबाब, पुलाव था, दही फुल्कियाँ बनाई थी मैंने, और दो सालन बनाए थे, एक था गोश्त आलू और साथ में चिकन बनाया था। मैं यहाँ से यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई थी कि ये मेरे बेटी की 11th बर्थडे है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उनका दिल भी खुश हो जाता है और जो माँ बाप होते हैं वो भी खुश होते हैं। तो ये छोटी सी हम लोगों ने सेलिब्रेशन रखी थी क्योंकि काफ़ी अरसे से क्वारंटाइन की वजह से, कोविड-19 की वजह से बच्चे घर पर ही थे, कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने बाहर कुछ नहीं अरेंज किया था, घर पर ही अरेंज किया था। और ना ही मैंने कोई ज़्यादा लोग बुलाए थे, सिर्फ अपनी फैमिली थी, क्लोज फैमिली जो मेरी, मैंने उन लोगों को ही बुलाया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये छोटी सी सेलिब्रेशन की है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. और आज के इस व्लॉग में जो मैंने अपनी सेकंड सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर करनी थी वो थी मेरी गूगल एडसेंस की पेन। तो जो लोग जिनका चैनल है उनको पता होगा कि ये क्या है। तो बेसिकली ये है गूगल एडसेंस की तरफ से मुझे लेटर आया है, ये उन्होंने पेन भेजी है, ये वेरिफिकेशन है मेरे एड्रेस की, मेरी आईडी की वेरिफिकेशन के, ये चैनल जो है वो मेरे नाम से है और ये मेरा एड्रेस है। तो ताकि जब मेरा चैनल जो है मुझे मेरा रेवेन्यू हो जाएगा $100 तक तो मुझे पेमेंट आएगी, तो उसके लिए उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए भेजा होता है कि ये आपका एड्रेस है, तो उसके लिए पिन होती है। ये पिन आप लोगों ने वेरीफाई करनी होती है अपने यूट्यूब के स्टूडियो पे जाके। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। ये तकरीबन 4 to 5 step होता है इसका, गूगल एडसेंस की पिन को आप लोगों ने जो वेरीफाई करना होता है। जब तक आप इस पिन को वेरीफाई नहीं करते तो आपका जो रेवेन्यू बनता है यूट्यूब से वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता या वो आपको भी नहीं भेज सकते।
तो ये पिन ही जो है जो YouTube को कंफर्म करती है कि आपको मिली है और आपने वेरीफाई किया है अपने एड्रेस को और अपनी इंफॉर्मेशन को। तो ये भी एक नेक्स्ट स्टेप होता है जब आप अपना YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इसको आपने वेरीफाई करना होता है। शुक्र है कि मेरा ये काम भी हो गया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी आज की दोनों सेलिब्रेशंस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है सेम नाम से, पाकिस्तानी ब्लॉगर इन अमेरिका, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।